ये दोस्तों, अब ये पंडित जी हमें सब चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे मंदिर के अंदर। ये क्या चीज़ है जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा, ये पंडित जी बताएं। ये डेकोरेशन है और ये जो है आरती है, जब महाआरती होती है तो इसमें आरती जला करके वह गणेश जी की आरती करते हैं। ये जो है ये हमारे मंदिर में की इन्फॉर्मेशन होती है कि अभी नेक्स्ट कार्यक्रम कौन सा आने वाला है। तो वह अभी मंगलवार को गुरु पूर्णिमा है, जो 10:30 बजे से साईं बाबा का पूजा है और यज्ञोपवीत संस्कार का भी कार्यक्रम है यहाँ पे। और ये हमारे गणेश जी के पिक्चर्स हैं, मूर्तियाँ हैं गणेश जी की। ये जो नाम है हमारे गणेश जी का नाम है दीवान का राजा, दीवान का राजा, ये दीवान स्टेट के राजा है। ऐसे है तो ये पूरे वर्ल्ड के राजा, लेकिन स्टेट के नाम दिया हुआ है। और ये नाम जो है बॉम्बे से लालबाग का राजा, लालबाग का राजा राजा के नाम से गणेश जी का मंदिर है और उसी के नाम पर यहाँ पे दीवान का राजा और देवों का राजा। वेरी गुड जी। ये दुर्गा जी की मूर्ति है जी हाँ, और ये लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं और नव दुर्गा की मूर्तियाँ हैं। ये भी गणेश, लक्ष्मी, ओम, दुर्गा जी। और ये यहाँ पे हिंदी लाइब्रेरी है, हिंदी की पुस्तकें हैं, रिलीजियस बुक हैं हिंदी की जो भी है। तो और यहाँ पे योगा क्लास भी होती है। अच्छा अच्छा जी हाँ। और उधर कुछ चीज़ है दिखाने वाली? नहीं, ये सब डेकोरेशन है और सेल का सामान रखा है। अच्छा, जो मूर्तियाँ वगैरह हैं जी हाँ। चले, देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा पंडित जी ने हमें बताया है। और ये पीछे सब लोग खड़े, आप भी इंडिया से हैं? इंडिया, गुजरात। गुजरात, सब गुजरात से हैं, क्योंकि गणपति जी का मतलब ही सब ये गुजराती टेंपल हुआ ना। ये वही उनके माने वाले, गुजरात के माने वाले। नहीं, ये पूरे भारत, पूरे 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 महाराष्ट्र से, पूरे इंडिया में है अभी तो। हाँ, पूरे इंडिया में है ना, ये तो है। नहीं, मेरे जितने भी गुजराती दोस्त ना हिंदू, वो सब इन्हीं को मानते हैं। ये बराबर तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा पूरा मंदिर मैंने आपको बताया, पंडित जी से मुलाकात हुई और ये भी यहाँ की औरतें हैं जे के, और ये भी जा रही हैं। और करी हम घर पे जा रहे हैं। अब मैं वापस बाहर जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आप देखें कि ये शाम का वक़्त है, आज फ्राइडे है, तो देखें कि लोग यहाँ पे थोड़ी गहमा गहमी है। उस वक्त तो ट्यूसडे था, पिछली यहाँ पे वीडियो में आपने देखा इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। अब लोग यहाँ पे देखें, आप घूम रहे हैं और यहाँ पे आ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिर्ज़ा शाहिद खान, और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं एक मंदिर में गया था और पंडित जी से मुलाकात हुई थी, तो आपको अच्छा लगा होगा। अब आप देखें कि जो पंडित जी हैं, उन्होंने हिंदू लोगों की या हिंदू मज़हब की तारीफ़ की कि हर वो हिंदू जो हिंसा नहीं करता, यानी कि तशद्दुद, मार कुटाई, वो हिंदू ही नहीं अगर वो करता है। और वो लोग जो मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया के अंदर ये लोग नफ़रत पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद मैं हैरान हूँ कि इनका कैसे, इनकी ज़रूरत होती है कि एक बेगुनाह आदमी को 8-10 आदमी पकड़ते हैं,
लाठियों से मारते हैं, छुरियों से मारते हैं, फिर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल करते हैं, फिर उसकी वीडियो बना के पूरी दुनिया में वायरल करते हैं कि देखो हम लोग इस तरह के लोग हैं। ये खुद भी यानी कि अपने आप को बदनाम कर रहे हैं और हिंदू मज़हब को भी बदनाम कर रहे हैं। कभी आपने देखा किसी भी मुसलमान मुल्क के अंदर कोई हिंदू जाए तो वहाँ पे 8-10 या पूरे लोग जो उसको पकड़ें, उसको इसी तरह मारें, उसकी वीडियो बनाएं और पूरी दुनिया में फैलाएं। और आपके सामने देखो कि मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने कहा कि ये हिंदू है ही नहीं। और आपको शायद मालूम होगा कि हिंदुस्तान के अंदर ये इनकी तादाद सिर्फ 5% है और ये चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान ऐसा हो जाए। और आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। और लोगों दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की अगर आप तारीख पढ़ें तो मुसलमानों के आने से पहले भी हिंदुस्तान में ऐसा ही था। छोटी जात वालों के साथ यही हाल होता था, बुरे हालात थे उनकी, औरतें उनकी महफूज नहीं थी, बच्चे बूढ़े सब चीज़ ग़ुलामी की बदतरीन ज़िंदगी वो गुजार रहे थे, कुत्ते से भी ज़्यादा ज़िल्लत वाली ज़िंदगी थी। तो खुदा ने उनको मुसलमानों के रूप में लोग वहाँ भेजे और वहाँ पे जनाब ये चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हुई। अब ये दोबारा ये चीज़ें शुरू हो रही हैं और मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को, एक तो ये राम का नाम लेते हैं अपने भगवान का, जो उनके, मुझे बताओ कि अपने नाम भगवान का, राम भगवान का नाम क्यों लेते हो? क्या उन्होंने ये ऐसा कहा था करने के लिए? जो तुम्हारा असल भगवान है तुम उसका नाम लिया करो, वो है शैतान। तुम ये कहा करो कि हम बोलो शैतान की जय हो, ये राम कृष्ण इनके नाम मत लो। इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया या तुम लोगों को ऐसा कोई ऑर्डर या हुक्म नहीं दिया होगा। इससे तुम लोग समझते हो कि शायद इससे बदनामी अपना क्या लगता है कि लोग डर जाएंगे और जिन्हें मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारी अपनी बदनामी है और तुम लोग ख़ुद बदनाम हो रहे हो। और ये वक्त उसी तरफ आ रहा है कि वो बड़े लोग बोलते हैं कि इतना जुल्म करो कि जितना खुद बर्दाश्त कर सको। अब आप देखो कि मैं पाकिस्तान से हूँ, अगर पाकिस्तान में, खुदा की कसम, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा, कोई 8-10-15 बंदे किसी हिंदू को इसी तरह लाठियों से मारें, छुरियों से मारें, फिर उसकी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के वो दुनिया को दिखाए कि हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक करते हैं, ठीक है, तो खुदा की कसम हम लोग उस बंदे का, जो 10-15 बंदे हैं उसका, वो हशर करेंगे पाकिस्तानी कि उस सारी उम्र याद रखेंगे। तो पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, कोई तीसरी कुव्वत है जो कि इसको इस्तेमाल करती है, जो चंद एक वाक़या पाकिस्तान में हुए, मगर ये कुछ शहर के शहर नहीं जलाए गए, औरतें पकड़ के उनका रेप नहीं किया गया, ठीक है ना, हमें ये चीज़ बताई गई। अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो जो ये नफ़रत फैला रहे हैं कि पाकिस्तानी, आप हिंदुस्तान से नफ़रत नहीं करते, हमें आप लोगों से नफ़रत नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें कुछ चीज़ें नापसंद हैं जिसकी वजह से हम उसकी आवाज़ उठाते रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने आबाद किया, यहाँ पर हुकूमत की, यहाँ पे हमारे बड़े बड़े अल्लाह के वली यहाँ पे रहते हैं, वहाँ सोए हुए हैं, तो हम हिंदुस्तान से कैसे नफ़रत कर सकते हैं, वो भी अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते थे। और दूसरी बात आप ज़हन में रखो अच्छे तरीके के साथ, मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि जिसमें एक कश्मीरी नौजवान को, कोई कश्मीरी नौजवान को 15 के करीब जो हिंदू शैतान थे, जी हाँ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदू शैतान, मेरे भी यहाँ अमेरिका में बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर तुम लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले हो, अपने ही मज़हब को बदनाम करने वाले हो। तो वो उस कश्मीरी को 15 के करीब मारे जा रहे थे, लोग मारे जा रहे थे और उसको बोल रहे थे बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद और कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये बोलो, उसको मार रहे थे। अब ये बुज़दिल लोग 15 आदमी एक आदमी को मार रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, उसने पता क्या जवाब दिया? जो कि यकीन करो मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने कहा ज़बरदस्त बात की, ये है सही बहादुर और ये हीरो है हमारा, वो हिंदुस्तान का या कश्मीरियों का, बल्कि पूरी दुनिया का। उसने कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अब हिंदुस्तान जिंदाबाद उसने बोला यहाँ से निकलता है, यहाँ से नहीं। अब मुझे बताओ ये बात उसने, अब सोचें कि कैसी ज़बरदस्त बात की उसने। तो बराए मेहरबानी
ये जो माहौल तुम लोगों ने पैदा किया हुआ है इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और ये याद रखो इतना जुल्म करो जितना कल को तुम लोग बर्दाश्त कर सको। तुम्हारे जितने भी लोग हैं मुसलमान मुल्कों के अंदर जाते हैं, कभी तुम्हारे साथ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें अच्छा ट्रीट किया जाता है, ये हम मुसलमानों की मेहमान नवाजी है, ये देख लो कि इसके बावजूद। मगर ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक जो है ये जुल्म लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? एक वक्त आएगा ये जुल्म ख़त्म करने के लिए लोगों को उठना पड़ेगा, और तुम लोग यही चाहते हो। अब पता है उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस मुल्कों को होगा जो कि असलाह बनाते हैं और बेचते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मामलत हों, जंग लगे और हम अपना असलाह बेचें और हमारे मुल्क की तरक्की हो, और तुम लोग जो है उसका पूरा पूरा उन मुल्कों का फ़ायदा करोगे। और तुम लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदू मुसलमानों का कभी दंगा नहीं हुआ, जंगें होती थी और वो भी मैदान से बाहर, और अंदर कारोबारी ज़िंदगी जो है वो उसी तरह रवा दवा था, और लोगों को पता ही नहीं था कि शहरों के अंदर यानी कि जंग नहीं आती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे जंग का माहौल, लोग कारोबार कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। बड़े बड़े मुसलमान जो बादशाह थे मुसलमान, उनके बड़े बड़े जरनेल, उनके वज़ीर वो हिंदू होते थे। अगर मुसलमान बादशाह या मुसलमान नफ़रत करते हिंदुओं से, तो वो अपने जरनेल, ये बड़े अहम ओहदे होते हैं, उसके पास बड़े बड़े राज होते हैं, असला कहाँ पड़ा हुआ है, चीज़ें कहाँ पड़ी हुई, ख़ज़ाना कहाँ पड़ा हुआ, ये अतमाद था। ये आके अंग्रेज़ों ने आके इसको तोड़ा, आके हिंदू मुसलमानों की आपस में लड़ाई करवाई। उन्हें पता था कि जब तक ये हम काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हुकूमत नहीं करेंगे। एक लफ्ज़ होता है ना चलाक, एक होशियार, और एक होता है मकार, एक होता है कमीना। तो अंग्रेज़ों की सोच इस हद तक थी, कमीनगी की हद तक, कि वो यहाँ पे लूट मार करने के लिए आए थे। उसको लूट मार करने में सबसे बड़ी रुकावट थी कि इनकी आपस में दोस्ती, भाईचारा उन्होंने ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद जनाब ये है कि उसका उन्होंने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, और कुछ तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ गधे जो हैं वो इनके पीछे लगे, और आज भी इनके पीछे लगे हुए। और तुम्हारी जो जमात है, मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, इसने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में कोई भी किरदार अदा नहीं किया। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, लोग अपनी जानें दे रहे थे, तुम लोग एक तरफ साइड पर होकर बैठे हुए थे हाथ बांध के और तमाशा देख रहे थे, कुछ भी तुम लोगों ने नहीं किया। अगर किया है तो मुझे बताओ, काले पानी की सज़ा की जो लोग थे जिनको हिंदुस्तानियों को सज़ा दी जाती थी, उसकी आप लिस्ट पढ़ के देखो, उसके ऊपर टॉप के ऊपर मुसलमानों का नाम होगा, उसके बाद सिखों का नाम है, और फिर हिंदुओं का भी नाम है, मगर तुम्हारा, तुम्हारी जमात का, तुम्हारी पार्टी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। अब तुम लोग आ गए हो सबसे बड़े देशभक्त बनने के लिए कि हम लोग हैं मुहब्बे वतन है हिंदुस्तान के, हमने हिंदुस्तान को बचाएंगे। ये नफ़रत फैला के तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करने वाले हैं? इससे कुछ नहीं होगा। आए रोज़ मैं वीडियो देखता हूँ, कभी चर्च जला रहे हो, कभी मस्जिदें वीरान कर रहे हो, कभी लोगों को मार रहे हो, औरतों को बेवा कर रहे हो, बच्चों को यतीम कर रहे हो, क्या इससे क्या कुदरत खुदा खुश होगा? बिल्कुल खुश नहीं होगा। इसी तरह तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा, और अपने इन कामों से बाज तुम्हें आना चाहिए, और अपने मज़हब को तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहिए। बस मेरा आप लोगों को यही अमन और शांति का पैगाम है मुसलमानों की तरफ से और पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ से। वरना यह है कि ये कब तक ये चलेगा? आखिर फिर लोग उठेंगे और फिर लोग तुम लोग कहोगे ये हमारे ऊपर जुल्म हो गया। ये जुल्म नहीं होगा, उस जुल्म का बदला होगा और इंसाफ होगा। और ये दुश्मनों की चालों में मत आओ, और मेरा तो यही पैगाम है। वरना यह है कि तुम लोगों को नहीं समझ आ रही, तो फिर हम लोग भी तैयार हैं कि इन चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।